तो यार इस लैपटॉप की तरफ देखो, HP 15S और ये लेटेस्ट वाला है जहां पर तुम्हें i5 12 जन मिल रही है 8GB रैम, और दूसरी तरफ है HP Pavilion 14 अगेन i5 12 जन 8GB वाली, इसका प्राइस है 63,000 और उस वाले का प्राइस है 57,000। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सेम प्रोसेसर लगभग सेम स्पेक्स तो डिफरेंस क्यों है, बिल्ड क्वालिटी राइट भैया आ रहा है ना। तो देखो यू आर रॉन्ग। एक और एग्जांपल देते हैं, Acer Aspire 3 i5 12 जन वाला एंड दूसरी तरफ Asus Vivok 15 अगेन i5 12 जन वाला ये भी। अब इन दोनों लैपटॉप का बताऊं तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट गाइस Asus Vivobook ही लेना, Acer Aspire 3 नहीं लेना है। रीजन सिंपल है, i5 12 जन, आई नो दोनों में सेम i5 12 जन नहीं आता, आई गेस इतना तुम्हें ही पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ। मार्केट में i5 के फिलहाल तीन वेरिएंट्स आ रहे हैं, 1235U, 1240p एंड 12500H। 1240p और 12500H पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा। अगर तुम लोग एक अल्ट्राबुक चाह रहे हो और एक गेमिंग लैपटॉप चाह रहे हो और परफॉर्मेंस डिफरेंस देखना है तो उसको ट्राई करो, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दो अल्ट्राबुक्स की, ठीक है, 1235U और 1240p, दोनों i5 12 जेन है बट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं यार, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना क्योंकि ऐसी एनालिसिस वाली वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहे। तो देखो शुरू से शुरू करते हैं, दोनों की जनरेशन सेम है राइट, दोनों के प्रोसेसर का नाम सेम है i5 राइट, 1235U में 10 कोर है और 1240p में 12 कोर है, एक में 12 थ्रेड्स है और एक में 16 थ्रेड्स है, डिफरेंस यहाँ से आ रहा है परफॉर्मेंस का पूरा, और परफॉर्मेंस कंपैरिजन करेंगे GTR गेम प्ले तक दिखाऊंगा यार, बट कंपैरिजन देख लो पहले पूरा अच्छे से। 1235U केवल 15 वॉट की बैटरी पे आता है, वाइल दूसरा वाला तुम्हारा 28 वॉट, यानी कि बैटरी बैकअप किसका बढ़िया होगा जो कम बैटरी रहता है, ठीक है, चीज़ समझो यहाँ से लॉजिक सारा निकलता है। अब क्योंकि वो पावर ज़्यादा खा रहा है तो परफॉर्मेंस भी बेटर देगा, जस्टिफाइड है, वैसे तो कोर और थ्रेड भी ज़्यादा है बट पावर भी ज़्यादा ले रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। चलो फिर तुम लोग के सिनेबेंच खोलते हैं, सबसे पहला सबसे सिंपल सिनेबेंच सिंगल कोर 1385 है और 1436 है, डिफरेंस दिख गया। मल्टी कोर में जाते हैं, यहां पे आएगा मजा, मतलब मल्टी कोर में यहां पर 1235U दे रहा है तुम्हें 4902 और 1240p दे रहा है 7382। जिन लोगों की गणित हल्की सी वीक है उनको बता देता हूं, दिस इज 50% जंप इन परफॉर्मेंस, तो छोटा मत समझना इस नंबर को। चलो और बताता हूँ, PC Mark 10 4644 है और दूसरी तरफ मिलेगा तुम्हें 5391। अब पता नहीं कैसे यार ब्लेंडर का स्कोर इज वेरी डिफरेंट, तो यहाँ पे 1235U ने लिए 1 मिनट 20 सेकंड और 1240p ने लिए 2 मिनट 10 सेकंड। आई नो कम पावरफुल है बट ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे नहीं पता ड्राइवर्स इशू है क्या इशू है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज तो 1240p ही बेटर है, बट देखो जो रिजल्ट आएगा वो मुझे शेयर करना बनता है। चलो दोनों में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी आता है तो उसको भी एक बार बता देता हूँ, मॉन्स्टर में यहाँ पे तुम्हें 42 सैंपल दूसरी तरफ 46, जंक शॉप में 9 और दूसरी तरफ 22 और क्लासरूम में 13 और दूसरी तरफ 20, ओवरऑल हर तरीके से तुम्हारा ये 1240p जीत रहा है। चलो गेमिंग देख लेते हैं, प्रॉपर गेमिंग एनालिसिस। तो देखो यार दोनों को मैंने 800x600 के रेजोल्यूशन पर चला, यानी कि एग्जैक्ट सेम सेटिंग्स, बट FPS डिफरेंस इज वेरी ह्यूज। तो यहाँ पर GTA 5 में मुझे 1235U दे रहा है, वही तुम्हारे 40, 50, 60। दूसरी तरफ तुम्हारा HP Pavilion 15 जो कि 1240p के साथ आता है, उसने दिया मुझे 90, 100, 110, मतलब ह्यूज परफॉर्मेंस गैप। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ डिफरेंस तुम्हें टॉम रेडर में भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक बात तो क्लियर है, अगर तुम्हें लेना है i5 12 जेन में तो यार 1240p पीरियड। और हाँ अगर तुम कंफ्यूज्ड 1240p और 12500H में, तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, वीडियो जरूर चेक कर लेना, तुम्हारे जरूर काम आएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।